अस्सलाम वालेकुम माय मुनफरिद फैमिली। आज हम बात करेंगे स्लो एंड फास्ट के बारे में। स्लो पीपल और फास्ट पीपल, मतलब जो लोग थोड़ा हल्के काम करते हैं उनके बारे में और जो लोग जल्दी काम करते हैं उनके बारे में। तो बीइंग स्लो होना भी ठीक है, क्योंकि ये एक तरह की पर्सनालिटी है। सुस्त होना अच्छा नहीं है। स्लो होने में और सुस्त होने में फर्क है। सुस्त होना एक बीमारी है, आपकी एक आदत है जो कि बुरी आदत है, जो कि ख़त्म हो सकती है, जिसे आलस और आलस कहते हैं। और बहुत ज़्यादा फास्ट होना भी एक बीमारी है, जिसे बेकली और बेचैनी कहते हैं। जिन लोगों को बैठा नहीं जाता, जिन लोगों को बस किसी ना किसी चीज़ में लगे रहना सही लगता है, क्योंकि वो बैठते हैं तो वो या तो गुस्से हो जाते हैं या पैनिक हो जाते हैं या वो शिवरिंग करने लगते हैं, तो ये भी एक तरह की मेंटल प्रॉब्लम है। और बहुत ज़्यादा स्लो होना भी एक तरह की मेंटल प्रॉब्लम है। तो ठीक रहना चाहिए, आपकी स्पीड स्लो है, आप अपने करियर में हल्के हल्के आगे बढ़ रहे हो, कोई मसला नहीं है। बस आपको ये देखना है कि मेरे एफर्ट्स जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ या नहीं, उस वक्त आप अपना 100% दे रहे हैं या नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है। प्रोसीजर स्लो आ रहा है या हमें रिवॉर्ड हल्के मिल रहा है या हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां तक हम जाना चाहते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ज्यादा फास्ट होना भी सही नहीं है, जिन्हें जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल करना होता है। बहुत जल्दी जल्दी हासिल करने में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप जल्दी जल्दी हासिल कर लोगे तो हो सकता है वो जल्दी जल्दी आपके पास से चला भी जाए। क्योंकि अगर आपको एकदम से सक्सेस या एकदम से बहुत सारे पैसे या एकदम से कोई चीज़ मिल जाती है, तो एक तो आपको उसकी कदर नहीं होती, दूसरा आपको उसको संभालना नहीं है। तो जब इंसान जल्दी कुछ हासिल करना चाहता है तो हो सकता है कि वो उसके काबिल ही नहीं बना और उसकी काबिलियत से पहले उसे कोई चीज़ मिल गई या उसे दे दी गई और वो उसे संभाल नहीं पाया और फिर वापस से वो उसी स्टेज पे आ गया, या हो सकता है उससे भी नीचे चला गया, क्योंकि उसके साथ फिर उसका डिप्रेशन भी जुड़ जाता है। यार ये क्या हो गया, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, एकदम सब कुछ मिल गया था और अब मैं दोबारा से सड़क पे आ गया। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी कुछ हासिल करना, बहुत ज़्यादा जल्दी में रहना भी सही नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो रहना भी सही नहीं है। आप समझते हैं आलकस में और स्लो होने में फर्क है। हर इंसान अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, हर इंसान को हर चीज़ पसंद नहीं होती, हर इंसान को जल्दी बात करना पसंद नहीं है, कुछ को स्लो बात करना पसंद है, हर इंसान को हल्के बात करना पसंद नहीं है, उन्हें जल्दी जल्दी अपनी बात बतानी। तो जो जल्दी जल्दी बात बताते हैं वो कभी अच्छे लिसनर्स नहीं होते, वो अच्छे स्पीच दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सकते हैं, लेकिन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुतासिर ना कर पाए। क्योंकि अगर आपको कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना है या कहीं इम्प्रेशन डालना है, आप बात कर रहे हैं लोगों में, तो लोगों की आपको सुनना भी जरूरी है। और सुनना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि बस आप उन्हें दिखा रहे हो कि आप उसे सुन रहे हो, समझने के लिए सुनना बहुत जरूरी है, जो कि एक जल्दी में रहने वाले इंसान के बस की बात है। जो जल्दी में रहेगा उसे जवाब देने की जल्दी होती है, तो वो जो सुन रहा है वो सुन तो रहा है लेकिन उसे समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसे अपना पर्सपेक्टिव रखने की, अपना ओपिनियन रखने की, अपना जवाब देने की या उसकी मुखालफत करने की या उसके उससे आर्गुमेंट करने की जल्दी है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा, सोच ही नहीं पाएगा। हो सकता है सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी उससे मैच करता हो, लेकिन हो सकता है कि वो डिबेट करने के चक्कर में उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझे ही नहीं और अपना जवाब दे दे, और हो सकता है उसका रिलेशन वहाँ पे खराब हो जाए या उसे उसका जवाब ही गलत हो जाए। सामने वाला जो है, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, आप कहीं से बात कर रहे हैं या आप किसी मीटिंग के लिए गए हैं या आप किसी डिस्कशन के लिए गए हैं, तो वहाँ डिस्कशन तो हुआ नहीं बल्कि और लड़ाई हो गई। और स्लो, ज़्यादा स्लो बंदों में क्या होता है कि बहुत सी दफ़ा आप इतना ज़्यादा हल्के बात करते हैं, आप इतना ज़्यादा धीमे काम करते हैं कि सामने वाला आपसे बोर हो जाता है और वो आपकी पूरी बात सुने बगैर ही अपनी बात शुरू कर देता है आपको बीच में रोक के। तो बहुत ज़्यादा स्लो बात भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा स्लो ज़िंदगी में भी नहीं रहना। एक्टिवनेस होनी चाहिए जहाँ ज़रूरत है, और ऐसा नहीं है कि हम सब में एक्टिवनेस नहीं होती, हम सब में एक्टिवनेस भी होती है, हम सब में आलस भी होता है, क्योंकि हम जो प्रजाति हैं वो आराम तलब वाली प्रजाति है, हमें आराम करना पसंद है।
किसी को भी सुबह काम पे जाना अच्छा नहीं लगता, कितना भी काम करने वाला हो सबका दिल करता है कि मैं छुट्टी करूं, मैं सो जाऊं, मैं कहीं ना जाऊं, बैठे बैठे सब कुछ होता रहे। लेकिन उससे क्या होगा, आपकी बॉडी भी खराब होती है और आपका माइंड भी खराब होता है और आपकी लाइफ पे तो ऑब्वियसली सी बात है असर पड़ता ही है। तो स्लो होना कुछ नहीं है कि आदमी आराम से अपना काम कर रहा है। किसी इंसान को अपना काम डिटेल में और बड़े सलीके से करने की आदत होती है तो वो आराम से अपना काम करता है, ये नहीं कि वो स्लो है, बस उसे अपना काम अच्छे से करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें अपनी चीजों से अपने सामान से कोई लेना देना नहीं, उन्हें बस जल्दी जल्दी कहीं पहुंचना, तो वो ना खुद को ढंग से तैयार करेंगे, बस जैसे कैसे बाल बनाए, जैसे कैसे कपड़े पहने और भाई चलो उठाओ लास्ट मोमेंट पे जल्दी जल्दी भागो, तो वो भी सही नहीं है। बहुत सी दफा ऐसा होता है जल्दी जल्दी के चक्कर में आप बहुत सारे पॉइंट छोड़ देते हैं, बहुत सारे सामान छोड़ देते हैं लास्ट मोमेंट पे, अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं बहुत सारे पॉइंट छोड़ देते हैं, वो इम्प्रेसिव नहीं होता। लेकिन एक बंदा सेगमेंट देख रहा है, टॉपिक देख रहा है, उसे अच्छे से तैयार कर रहा है और फिर उसमें डिटेलिंग को भी नोटिस कर रहा है कि यार मैं अगर 100 वर्ड का कोई चीज लिख रहा हूँ, कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ या कोई प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, तो उसकी स्लाइड में मैं कुछ चीजें ऐसी ऐड कर दूँ जिससे वो प्रेजेंटेशन और इम्प्रेसिव और प्रेजेंटेबल लगे और अच्छे से लगे, लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जल्दी जल्दी में रहने वाले इन बातों को ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ क्या फोकस करते हैं कि यार मुझे बातें तो कहनी। बात कहने का भी एक तरीका होता है, एक बात एक लाइन में भी कही जा सकती है और एक बात थोड़ा सा अच्छे से बिल्डअप बना के भी कही जा सकती है, और जब बिल्डअप बना के कही जाएगी तो हो सकता है कि सामने वाले की समझ में आ जाए, हो सकता है कि सामने वाला आपकी बात नहीं मानना चाहता लेकिन आपका बात करने का तरीका इतना अच्छा था, आपकी पेशेंस उसे इतनी अच्छी लगी, इतना सब्र और तहम्मुल से आपने उसे बताया कि वो आपकी बात सुनी भी, समझी भी और शायद मान भी। तो बीइंग स्लो प्रोसीजर गलत नहीं है, कहीं कहीं स्लो प्रोसीजर ही होना चाहिए। जल्दी जल्दी में इंसान, जल्दी वाला इंसान मुंह जला लेता है और खाने का मजा भी नहीं ले पाता। इसी तरह से जल्दी में रहने वाले लोग कहीं पहुंच तो जाते हैं लेकिन वहां जाके भी उस चीज को महसूस नहीं कर पाते, उस सक्सेस को या उस जो उसे हासिल हुआ है उसकी कशिश देख ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी वो एक जगह पे आ गए, उन्हें कहीं और जाना, बेसब्रे से होते। तो बहुत ज़्यादा जल्दी भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो भी सही नहीं है, अपनी नॉर्मल स्पीड में रहिए और हर किसी को पता है कि उसकी स्पीड क्या है। अगर उसे लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा स्लो है तो उसे ठीक कीजिए, और अगर उसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ तो आप उसे कम करिए। ऐसा नहीं कि यार मैं तो फास्ट हूँ और मैं तो ऐसा ही रहूँगा, मुझसे सब्र नहीं होता, नहीं, सबसे सब्र होता है और सब्र करने से आता है, चीज़ें करने से आती हैं, इट्स अ स्लो प्रोसेस। किसी भी चीज़ को आपको चेंज करना है तो उसमें आपको हल्के हल्के करके ही उसे कोशिश करके जाना होगा। स्लो आदमी एकदम फास्ट नहीं हो सकता, मैं भी किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा स्लो था और मुझे ऐसा लगता था मैं ऐसा ही हूँ, मैं इससे ज़्यादा फास्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मेरे पे प्रेशर आया है, जब मैंने अपने आप को कुछ सिचुएशन में डाला और फिर मैंने देखा कि हाँ यार अब मैं ज़रा अपनी एक्चुअल स्पीड तो देखूँ, मैं इस टाइम प्रोसीजर को कम कर सकता हूँ, हो गया, मुझे टेक्निक्स मिल गई हैं कहाँ पे मैं अपना टाइम क्रॉस कट कर सकता हूँ, चीज़ों को अच्छे से भी कर सकता हूँ और टाइम भी कम लगा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, हम सब कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मैं खुद अपने आप में अभी तक इम्प्रूवमेंट ही ला रहा हूँ। हो सकता है मेरी बातें ऑब्वियसली सी बातें बहुत से लोगों को बोरिंग लगती होंगी, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ और इस चैनल के जरिए, इस वीडियो के जरिए मैं खुद अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और हो सकता है कि मेरे सीखने से कुछ लोग भी सीख जाए, कहीं तक मेरी बात पहुँच जाए और उसका ही भला हो जाए और हमारा भी भला हो जाए। तो बस यही मकसद है इन वीडियोस को बनाने का, इस चैनल को बनाने का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।